A point charge produces an electric flux of -750 Newton meter square per coulomb through a spherical Gaussian surface of radius 10 centimeter with the center at the charge. If the radius of Gaussian surface be doubled, how much flux would pass through the surface? What is the magnitude of the point charge? ओके तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमको दिया है कि एक स्फीयर है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, इसके सेंटर पर कोई चार्ज रखा है, पता नहीं कितना रखा है, प्लस रखा माइनस रखा नहीं कह सकते, चलिए ठीक है, क्यों चार्ज रखा, तो कह रहे हैं इसके सरफेस से पास होने वाला जो नेट फ्लक्स है वो कितना है, -750 न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर। हमसे कह रहे हैं कि अगर इसकी रेडियस को डबल कर दिया जाए, मतलब अब हम क्या कर दें इसकी रेडियस को बच्चों, 20 सेंटीमीटर कर दें, तो कह रहे बताओ कितना फ्लक्स पास होगा। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस का क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन जी। तो बात यह है कि इस सरफेस से कितना चार्ज इनक्लोज हो रहा था, क्यू, तो क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो इसका फ्लक्स उस समय रहा होगा, मतलब यह होगा -750 न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर। अब कह रहे हैं कि अगर इसकी रेडियस को डबल कर दें, तो बच्चों रेडियस को डबल कर दोगे तो क्या अंदर का चार्ज चेंज हो जाएगा, नहीं, क्यों भाई, हम सरफेस की रेडियस को बढ़ा रहे हैं ना, चार्ज में तो कोई चेंज कर नहीं रहे, मतलब नेट चार्ज जो इनक्लोज्ड है उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, इसीलिए फ्लक्स की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब पहले कंडीशन में अगर हम बात करें तो फ्लक्स पासिंग थ्रू स्फीयर ऑफ 20 सेंटीमीटर रेडियस इससे भी उतना ही होगा, कितना होगा, -750 न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि फ्लक्स उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, शेप पर डिपेंड ही नहीं करता, वो तो केवल डिपेंड करता है उसके अंदर चार्ज कितना है, क्योंकि गॉस थ्योरम क्या कहते हैं, फाइव इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन, मतलब क्यू इनक्लोज्ड किसी सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स उसमें प्रेजेंट चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है, तो ये चार्ज से मतलब रखता है ना कि सरफेस से, ठीक है, क्लोज सरफेस में बात हो रही है यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट इसमें कहा गया बच्चों कि कितना चार्ज होगा, चार्ज की वैल्यू मैग्नीट्यूड कितनी होगी, तो देखिए भाई क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो आपको यहाँ पे पता है -750, तो अगर हम बात करें क्यू कितना होगा, सोचिए, तो -750 इंटू एप्सिलॉन जीरो वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे 750 इंटू एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू 8.85 इंटू 10^-12। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा -6.64 इंटू 10^-9 कूलाम। तो यहाँ पे कितना चार्ज होगा इसके अंदर, समझो वो होगा -6.64 इंटू 10^-9 कूलाम। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों,